सही है गलत? आया तो मेरे समय स्ट्रक्चरल हो गया था, स्टीरियो शुरू किया था, स्टीरियो में जियोमेट्रिक हो गया था, ऑप्टिकल बाकी था, क्या बाकी था? ऑप्टिकल। तो अब देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इतना कुछ नहीं पूछा, ठीक है ऑप्टिकल। अब ऑप्टिकल पढ़ने के पहले हम देखेंगे कि जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स दैट कॉम्प्लेक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, एक को कहा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव, और दूसरे कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या कहा जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले वो देखेंगे। जो पीपीएल लाइट होता है, प्लेन पोलराइज लाइट, इसका मतलब जिस जो लाइट एक ही प्लेन में ट्रेवल करता है, किसी भी एक प्लेन में, उसको बोलेंगे हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट। नॉर्मल जो लाइट होता है वो ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट होता है, लेकिन पीपीएल लाइट जो रहेगा वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट होगा, कोई भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कोई भी एक ही। तो किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के सॉल्यूशन में से जब पीपीएल लाइट को पास करते हैं, तो सपोज यहां पे हमारे पास कोई कंपाउंड का सॉल्यूशन है, यहां पे कोई कंपाउंड का सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में से ये पीपीएल लाइट को हमने पास किया, और आगे जाने के बाद भी वो वैसे ही है, इसका मतलब पीपीएल लाइट ने रोटेशन किया कि नहीं किया? नहीं किया। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जिस कंपाउंड के सॉल्यूशन में से पीपीएल लाइट को पास करते हुए और पास करने के बाद वो रोटेशन शो करेंगे, तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। 11th में पढ़ा था, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये जो रोटेशन होता है यहाँ पे, ये पीपीएल लाइट का, ये दो तरीके से होता है, या तो ये क्लॉकवाइज होता है या तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। मतलब कुछ सॉल्यूशन में से जब हम पीपीएल लाइट को पास करेंगे तो वो ऐसा घूमेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, किसी किसी में ऐसा घूमता है, क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रेट रोटेशन, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो बोलेंगे नेगेटिव रोटेशन। क्लॉकवाइज को कहते हैं डेक्स्ट्रो, क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो, और इसको कहते हैं लीवो। तो एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा होता है लीवो रोटेटरी। यहाँ पे मैंने और दो तीन वर्ड्स बताए थे, मेसो कंपाउंड, इनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, काइरल कार्बन, वो सब कुछ बताया था मैंने, दो रिपीटेशन, ठीक है। तो ये होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो रहेंगे वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इनिशियली ऐसा कहा जाता था कि जो कंपाउंड, जिस कंपाउंड के पास काइरल कार्बन होता है, काइरल एटम होता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन बाद में ये पता चला कुछ कंपाउंड ऐसे भी है जिनके पास काइरल एटम तो है ही नहीं, फिर भी काइरल का मतलब बताया था 11th में, जिसके सभी के सभी साइड कैसे रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास काइरल एटम नहीं होता है, फिर भी वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। उसका रीजन ये पता चला कि जो कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो नहीं करते हैं, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो नहीं करते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और जो कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो करते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ गया? तो यही से पता चलेगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ में आ गया? अब बात करते हैं प्लेन की, बात करते हैं प्लेन की। तो प्लेन को अलग अलग तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो स्क्वेयर प्लेनर है। क्या है? स्क्वेयर प्लेनर। यहाँ पे कैसे कैसे प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं? एक लिगंड, दो लिगंड, तीन लिगंड, चार लिगंड और मेटल। मैंने यहाँ से प्लेन ड्रॉ किया, चपेट में कितने लोग आ गए? लिगंड, मेटल, लिगंड। जहां से प्लेन ड्रॉ करोगे उसको कंसीडर नहीं करना है, वो कट गए ना, और जो कट गया वो चला गया, तो बचा कौन? एक लिगंड और एक मेटल।
अब यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए या अनइक्वल? इक्वल हो गए। तो इसको सिमेट्रिकल कटिंग बोलेंगे या अनसिमेट्रिकल? पक्का ना? ओके। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ से कट कर दिया, समझ रही है? तो कहीं से भी आप प्लेन ड्रॉ करते हो और प्लेन ड्रॉ करने के बाद जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये रहेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। और वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब टू प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। समझ में आ गया? इन केस मैं यहाँ से प्लेन ड्रॉ करता हूँ तो कौन कट गया? अब बच्चा कौन? यहाँ पे दो लिगेंड, यहाँ पे दो लिगेंड, यहाँ पे ए और ए है, यहाँ पे बी और बी है, ऐसे कट किया। अरे ए और ए बैठा है, बी और बी बैठा है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? ए बी, ए बी, ए बी, बी ए, ए बी, बी ए, अनसिमेट्रिकल। ए के सामने कौन है? और बी के सामने ए। सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, ठीक है? हाथ की जगह पैर, पैर की जगह हाथ, से हाथ की जगह हाथ है और पैर की जगह पैर है, समझ गए? ऐसे जल्दी समझ में आता है, ठीक, क्लियर हो गया? तो ये होता है प्लेन। अब ये तो हो गई प्लैनर स्ट्रक्चर की, हम नॉन प्लैनर का एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे ज्योमेट्री देखेंगे। बीच में क्या लगता है कौन सा ज्योमेट्री होना चाहिए? ऑक्टेंगल पता था, लेकिन दूसरा था, तो कौन सा ज्योमेट्री था? ये देखा पक्का है कि नहीं है? पैसे है, पैसे चाहिए। अब देखो इसमें चार बॉन्ड है, ठीक है? हम ये बोलते हैं कि जो भी टेट्राहेड्रल होता है ना वो प्लैनर नहीं होता है, वो नॉन प्लैनर होता है, क्योंकि चार बॉन्ड में से दो बॉन्ड प्लेन में, एक प्लेन के सामने के साइड में, प्लेन के पीछे के साइड में। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, इसको मैं ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ऐसे, ठीक है? ये मेटल है और चारों पीछे वो लिगंड है, वो ए है, बी है, वो बाद में देखेंगे, पहले लिगंड है वो देखते हैं, ठीक है? अब ये प्लेन है और प्लेन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, तो कितने कट गए? ये दोनों। अब इधर कौन बचा? एक लिगेंड, और इधर कौन बचा? ए, सही है? अब यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए अनइक्वल? यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो अनइक्वल। जब दोनों के दोनों सेम रहेंगे तो इसको हम लोग टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, और जब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे इसका मतलब सिमेट्री शो किया कि नहीं किया? अरे सिमेट्री शो करने का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ से हमने ड्रॉ इसको कट कर दिया, ये दोनों तो कट हो गए। अब इधर कौन बचा? ए, और इधर कौन बचा? ए। सेम है, डिफरेंट है? सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? पक्का ना? अब प्लेन जो मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो कितने बॉन्ड प्लेन में है? एक कहाँ पे है? कौन सी साइड? लेफ्ट साइड, और दूसरा राइट साइड। समझ में आ गया? अब मैंने ऐसा पूछा तो कितने बॉन्ड प्लेन में है? दो, एक अपोज प्लेन है और एक इधर। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम लोग थ्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे उसमें बोलते थे ना चार बॉन्ड है, चार में से दो बॉन्ड प्लेन में है, एक बॉन्ड अपोज प्लेन है और एक बॉन्ड इधर, सही है? 2 अक्टूबर को बस पकड़ी थी, घूमने गए थे, नाश्ता किए थे, पाव भाजी खाई थी, याद आ रहा है कोई? दृश्यम देखा है मूवी? दृश्यम, वैसे रिपीटेशन, ठीक है? काम के मूवी नहीं देखते, बिना काम के देखते उपार्जन क्यूरियस, कुछ नहीं होता है। ये प्लेन है, ये यहाँ से ड्रॉ कर दिया, प्लेन में कितने बॉन्ड है? ये कहाँ पे है? अब वो तो प्लेन, ये कहाँ पे है? तो जब भी 3D स्ट्रक्चर होता है तो उसमें ये मान के चलते कि चार बॉन्ड में से दो बॉन्ड प्लेन में रहेंगे, एक अबो द प्लेन रहेगा, दूसरा बिलो द प्लेन। इन प्लेन वाले को नॉर्मल लाइन से शो करते थे
अबो द प्लेन वाले को सॉलिड ट्रायंगुलर लाइन से शो करते थे और बिलो द प्लेन वाले को डॉटेड ट्रायंगुलर लाइन से शो करते थे, ठीक है। अब सभी जगह ए ए ए अटैच्ड है और यहां से प्लेन ड्रॉ किया, यहां से प्लेन ड्रॉ किया, सिमेट्रिकल, यहां से प्लेन ड्रॉ किया, सिमेट्रिकल, तो ऑप्टिकली इनेक्टिव। अरे सिमेट्रिकल रहेगा तो कैसा रहेगा? इनेक्टिव। अब आप बोलोगे सर एक साइड से सिमेट्रिकल था और दूसरे साइड से अनसिमेट्रिकल है तो इनेक्टिव। एक भी साइड से या एक भी प्लेन से वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है, रिपीटिंग अगेन, वो एक भी साइड से एक भी प्लेन से प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है तो ऑप्टिकली नहीं हो गया। अब ए ए ए और एक काला वाला बी, सही है, सेफ्टी करते हैं, ठीक है। तो तीन ए है और एक बी है। सपोज मैं यहां से प्लेन ड्रॉ करता हूं, सिमेट्रिकल पक्का ना? ओके सिमेट्रिकल। और एक भी साइड से सिमेट्रिकल होगा तो इनेक्टिव। ये मतलब तो सर बाकी में तो है लेकिन एक में से भी दे रहा तो सिमेट्रिकल। इसका मतलब भी नहीं बनता है ना, क्योंकि दूसरे साइड से क्या था वो, समझ में आ गया। तो यहाँ से कैसा रहेगा? सिमेट्रिकल। और हमने ऐसे ड्रॉ किया तो अनसिमेट्रिकल, समझ में आ गया। तो जो सिमेट्रिकल रहेगा वो इनएक्टिव और जो अनसिमेट्रिकल रहेगा वो एक्टिव, समझ में आ गया। इसका मतलब ये दो, ये मॉलिक्यूल दोनों टाइप शो कर सकता है, क्या शो कर सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने प्लेन कहाँ पे कंसीडर किया, समझ में आ गया। लेकिन हम यही मान के चलते हैं कि एटलीस्ट वन भी है तो कैसा रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। एक्टिव में तो सारे चेक करने पड़ेंगे ना? हाँ, उससे चेक करके पता चलेगा। लेकिन सर आपने ऐसा कहा इनएक्टिव में सिर्फ अगर एक भी हो सकता है, हाँ, तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग इनएक्टिव भी मानते हैं। और सर अगर एक्टिव चेक कर रहे हैं तो सारे चेक करना, आप पहले ये चेक करो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक भी साइड से दो मॉलिक्यूल इनएक्टिव मान लेते हैं, समझ में आ गया। ऐसे तो ये कौन सा है, ए थ्री डी वन, ए थ्री डी वन। अब क्या करेंगे, एक को और निकाल देते हैं और यहाँ ऐसा लगाते हैं, क्या बन गया ए टू बी, समझ में आ गया। अब ये वाला अरेंजमेंट क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, ये वाला इनएक्टिव, ये वाला इनएक्टिव। अरे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। इस साइड में एक है, दूसरे साइड में दूसरा है, तो सेम है डिफरेंट है, ये कैसा रहेगा ऑप्टिकली, समझ में आ गया। तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, यहाँ से पता चलेगा। क्लियर हुआ? नहीं समझा? कौन टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर? टेट्राहेड्रल। तो पहले मैं स्क्वायर प्लानर के बारे में बताऊंगा, सॉरी टेट्राहेड्रल के बारे में, स्क्वायर प्लानर नहीं बताऊंगा, वो आपको देखना होगा, बाद में ऑक्टाहेड्रल बोलूंगा, ठीक है। ओके क्लियर हुआ? नाइट ऑन दिस वन। प्लेन पोलराइज्ड लाइट,
इनएक्टिव, रोटेट हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव, रोटेट नहीं हुआ तो इनएक्टिव। केस वन, केस वन फॉर टेट्राहेड्रल, उसमें नंबर वन ऑल लिगेंड्स आर मोनोडेंटेड, ऑल लिगेंड्स आर मोनोडेंटेड, नंबर वन इधर है ना MA4 ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझ में आ गया? क्या लिखोगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है, आप नहीं, आपको पूरा लिखना है, ठीक है? ऐसे बाकी के मॉलिक्यूल्स में फॉर्मूला लिखूंगा, उसके सामने आपको लिखना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा कि इनएक्टिव रहेगा, क्लियर? तो जब दो, और ये भी दो, समझ में आ गया? ओके।
अब यहाँ से पता चलेगा वो सिमेट्रिकल होगा कि अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको व्हाट्सएप किए थे ग्रुप में, आपने देखा होगा। पहले दिन चार्ट बताया था, इसको लिखा था ये इसका फुल फॉर्म ये है, स्ट्रक्चर ये रहेगा, ये डोनर एटम्स रहेंगे, सब कुछ लिखा था। चार कॉलम में था, पहले कॉलम में नाम दिया था, दूसरे कॉलम में स्ट्रक्चर दिया था, तीसरे में दिया था शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगा, और लास्ट कॉलम में दिया था डोनर एटम कौन रहेगा। ठीक है, जितना मुझे पता है। तो बाइडेंडेड के एक एक एग्जांपल बताता हूँ, इसमें से एक सिमेट्रिकल होगा और दूसरा अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ अटैच टू ओ माइनस, हियर सी डबल बॉन्ड ओ अटैच टू ओ माइनस, और यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे मेटल। अब क्या होगा, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनाएगा, तो इसको सिमेट्रिकल लेकर बोले अनसिमेट्रिकल। सपोज मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये लिगेंड जो है वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। ऐसे दूसरा एक लिगेंड यहाँ लिखता हूँ मैं, बिल्कुल ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इसका बाय मॉलिक्यूल कट के हो गया, एनीवन बाहर भी समझ। तो ग्लाइसिन जो होता है वो होता है CH2 अटैच टू NH2 अटैच टू COOH, इट इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड, इट इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। एसिड इसलिए क्योंकि COOH है, ठीक है, अमीनो इसलिए क्योंकि NH2 है, और ये अल्फा कार्बन का अटैच है, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन। जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इसको छोड़ते हैं, क्योंकि इसके पास कैरल कार्बन नहीं है, और सबके पास कैरल कार्बन होता है। ठीक है, बाय मॉलिक्यूल में आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये होता है CH2 अटैच टू NH2 विद लोन पेयर, और यहाँ अटैच होता है C डबल बॉन्ड O अटैच टू O माइनस, और यहाँ होता है मेटल। अब क्या होगा, ये एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा और दूसरा बॉन्ड यहाँ बनाएगा, क्योंकि इस लिगेंड को आप टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ये कौन सा लिगेंड हुआ, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। कौन सा लिगेंड हुआ, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ये भी चिलेटिंग लिगेंड का काम करेगा, ये भी चिलेटिंग लिगेंड का काम करेगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसको ज्योमेट्री के हिसाब से देखते हैं कि वो किस प्रकार से पॉसिबल होगा। पहले जो लिगेंड हम लेते हैं वो सिमेट्रिकल, कौन सा लेते हैं, सिमेट्रिकल, और मॉलिक्यूल लिखता हूं मैं यहाँ पे एम ए ए बाय टू। तो कितने बाय डेंटेड है, सेम कितना, सेम। ए ने ए के साथ बॉन्ड बनाया, एडिशन वही है ना, अरे सभी एक सेम ही है तो कहीं भी बना सकता है। ए ने ए के साथ बॉन्ड बनाया, ए ने ए के साथ यहाँ से प्लेन ड्रॉप किया, यहाँ पे कौन है, इधर बॉन्ड बनाया, बीच में से डिवाइड कर दो, इक्वल अनइक्वल, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव। ये समझ में आ गया होगा तो ये समझ में आ जाता है, इसलिए उसमें गड़बड़ तो कुछ देखने नहीं है, लिखने का काम करना है। क्या लगता है, ए बी, ए बी रिपीटिंग, ए बी, ए बी यहां से कट किया, यहाँ से कट किया, अनसिमेट्रिकल, यहाँ से कट किया, सिमेट्रिकल, नीचे भी किया। आपने ऐसा बोला ना, ए ने बी के साथ बनाया ऐसे, और ए ने बी के साथ बॉन्ड बनाया ऐसे, ऐसे है ना, ए ने B
बी के साथ और एन ए बी के साथ। अब यहाँ से कट करोगे, इसका लिगेंड तो ऊपर लटका हुआ है और इसका लिगेंड तो नीचे है। अरे सिंपल ऐसा थ्री डी मान लो। अब मैंने बोला एक में लिगेंड यहाँ पे है, दूसरे में यहाँ पे है, तो दोनों इक्वल हो गए। अब एक ने बोला इसका हाथ ऊपर है, दूसरे का हाथ नीचे है, सीधा वो उल्टा हुआ। अब भी उल्टा नहीं चाहिए, सेम चाहिए। इसलिए देखो आपने बोला ए ने बी के साथ बॉन्ड बनाया, ए ने बी के साथ बॉन्ड बनाया, तो अब यहाँ से कट करोगे तो यहाँ पे लिगेंड ऊपर में आ रहा है और यहाँ पे लिगेंड नीचे से जा रहा है, दोनों सेम है, डिफरेंट है, समझ में आ गया? इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव? एक्टिव। पक्का? एक सेकंड, आवाज किसी का नहीं है। इमेज को इमेजिन करना है बस। क्या लगता है? मुझे तो एक्टिव लग रहा है। ए ए ए बी क्या रहेगा? डन। लिखो नेक्स्ट, सेकंड वाला रिपीट करता है। लिखो ए ने बी के साथ बनाया, ए ने बी के साथ, आपने यहाँ से कट किया तो इधर कौन है? इधर कौन है? बी। सेम है, डिफरेंट है? आपने ए ने बी के साथ बनाया और ए ने बी के साथ बनाया, आपने यहाँ से कट किया, इधर कौन है? इधर कौन है? लेकिन ए का लिगेंड इधर लटका हुआ है और ए का लिगेंड इधर लटका हुआ है। इस चैप्टर में इसी के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए ये ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है? भले टिश्यू में दो पैराग्राफ पढ़ लूंगा। यहाँ से कट कर दिया,
सभी जगह ए है, ऊपर ए है, नीचे ए है, यहाँ कट कर दिया, ऊपर ए है, नीचे बी है, यहाँ से कट कर दिया, पक्का देख सकते हो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ए बी सी डी ई और ई, ए बी सी डी ई और ई ऐसे कट करेंगे। इधर कौन बचा? इधर कौन बचा? दोनों अपोजिट है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि दो सेम लिगेंड अपोजिट आते हैं तो सिमेट्रिकल हो सकता है, और सिमेट्रिकल होगा तो ऑप्टिकली कनेक्टिव होगा, पक्का नहीं समझा? ए बी 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 ऊपर से कट कर दिया तो ऊपर वाले चले गए, नीचे वाले चले गए, कौन है पता भी नहीं। तो ए बी यहाँ से कट कर दिया तो दोनों पार्ट कैसे हैं? सिमेट्रिकल। समझा नहीं समझा? ऑक्साइड में से देख सकते हैं। अब ये तो हो गया, ये फाइंड करना कि वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा कि इनएक्टिव रहेगा। कुछ सिंपल ट्रिक है जहाँ से भी देख सकते हैं कि वो एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, ठीक है? ट्रिक नंबर वन लिखो, इफ टू सेम लिगंड आर प्रेजेंट इन अ पेयर, then it will be symmetrical. और symmetrical रहेगा तो optically inactive. Example, क्या लिखा आपने? Two ligands in a pair. सेम, जैसे ए और ए है, दोनों सेम है डिफरेंट है? सेम है। जैसे बी और ई है, दोनों सेम है डिफरेंट है? तो ऐसा होता है जब दो लिगेंड सेम होते हैं एक पेयर के, तो इसका मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये ट्रिक है आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है? तो एग्जांपल में देखो, ए ए और बी बी, एन ए और, ठीक है? सेकंड कंडीशन, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है? इफ टू पेयर्स आर सेम, उसमें एक पेयर के अंदर बोला था, यहां पे बोला है दो पेयर, इफ टू पेयर्स आर सेम देन इट विल सिमेट्रिकल। एग्जाम्पल के लिए जगह दो, पहला पेयर ए बी है और दूसरा पेयर भी ए बी है, दोनों सेम पेयर है डिफरेंट? सेम है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कुछ ट्रिक्स है जहां से हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव रहेगा, ठीक है? चलेगा। अब देखो इधर एग्जाम्पल, M A 2 B 2, M A 2 B, इसके कितने GM पॉसिबल है और उसमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव है और कितने इनएक्टिव है, वो जरूर पढ़ाया पहले ही है तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है, काम आपको ही करना है। M A 2 sorry A 2 B 2 नहीं A 4 sorry octahedral है ना, A 4 B 2 कितने GI possible है, इसके लिए बार बार
स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से अच्छा है लिगंड को पेंसिल से लिख दो ताकि इरेज करके नया अरेंजमेंट बना सकते हो। इसलिए उसे मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला था। ठीक है, लेकिन है कौन सा ऑक्टाहेड्रल, तो ड्रॉ भी उसके हिसाब से ही करना है। मतलब हियर इज एम एल 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 और फोर लिगंड्स आर देयर, हियर इज एल एंड हियर इज एल, तो उनका पोजीशन चेंज करते जाना है और देखना है कि किस प्रकार से काम करेगा। क्या लगता है? अच्छे से ड्रॉ करो एक बार।
आधा अधूरा आंसर नहीं चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव तीनों के तीनों एक्टिव है, तीनों इनएक्टिव है, तीनों इनएक्टिव है। ओके ठीक है, सही है। आमने सामने वाली वो मोनोजेनेटिक रहता है, इसलिए नहीं देखो ओनली मोनोजेनेटिक। ऐसे बता रहा हूं मैं बायोलॉजिकल के लिए क्या होगा। एक्टिव नेगेटिव हां, अरे दो ही ऑप्शन है। देखो चार प्लेन में है, ए ए ए ए इधर ध्यान दो, ए ए ए ए एक पार्टी ऊपर है एक नीचे है, तो एक ही यहाँ पे नॉट पॉसिबल एडजेसेंट होता है। तो यहाँ एक ए दूसरा लिगेंड यहाँ बनाएगा और तीसरे ने यहाँ बनाया, समझ गए। तो एक ए यहाँ पे है, दूसरे ने यहाँ से यहाँ बॉन्ड बनाया, ये बाइडेंटेड है तो ऐसा हुआ। दूसरा पैटर्न आप ऐसा लगाते हो तो तीसरा ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कल बताया था मैंने, एक लिगेंड दूसरा लिगेंड और तीसरा लिगेंड सिमेट्रिकल होगा। आप यहां से ड्रॉ करोगे तो ये ऊपर में है और ये नीचे में, कैसा है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव। पक्का सब कुछ मैं ऐसा करता हूँ, ए ए ए ए सी एल सी एल मतलब बी और डी दोनों सेम है, सही ना। यहां से कट किए दोनों से मौके मतलब इनएक्टिव। सपोज मैं ऐसा करूं तो ए ए और ए ए यहां पे बी और यहां पे डी, ए ए ए ए बी और बी ऑप्टिकली मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, डिपेंड करता है आपने अरेंजमेंट कौन सा किया। जैसे यहाँ पे किए थे वैसे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाइडेंट का उसका टेंशन नहीं लेना है, मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो मोनोडेंडेंट के ऊपर ही आता है। बाइडेंट एज अ कंसेप्ट करके बता दिया कि देखेंगे कैसे, जैसे हमने टेट्राहेड्रल में देखा था वैसे यहाँ पे भी सोच लेना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक निकालो निकालो उसमें ऑप्टिकल आई समझ। यहाँ पे आइसोमेरिज़म हो गया खत्म, नेक्स्ट लेक्चर से